हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, सीआरसी लखनऊ के फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं सेरेब्रल पाल्सी में पोजीशनिंग के इम्पॉर्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। पोजीशनिंग का क्या इम्पॉर्टेंट है सेरेब्रल पाल्सी में, इसको जानने से पहले मैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बच्चे का ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन का एक हिस्सा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के पैरालिसिस की वजह से ही सेरेब्रल पाल्सी होता है। सेरेब्रल पाल्सी प्रभावित बच्चों में कुछ सामान्य प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला होता है मोटर कंपोनेंट का अफेक्टेड हो जाना। इसका मतलब होता है बच्चों में जनरली हाथ पैरों में टाइटनेस आ जाता है, या तो हाथ पैर सामान्य से ज़्यादा लचीला और लूज हो जाता है। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है उसमें है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब है बच्चों की सोचने समझने और जजमेंट की कैपेसिटी इम्पेयर्ड हो जाती है और बच्चे आगे चल के एकेडमिकली पुअर हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है, बच्चों में बैलेंस प्रॉब्लम हो जाता है, और साथ साथ बच्चों की स्पीच और उसके बॉबल ब्लैडर भी अफेक्टेड हो जाते हैं। इन सभी इम्पेयरमेंट के साथ साथ बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी इम्पेयर्ड हो जाता है। सेरेब्रल पाल्सी के कुछ प्रमुख कारण हैं, उसमें सर्वप्रथम आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। सामान्यतः जो बच्चे देर से रोते हैं उनमें हाइपोक्सिया या ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी होता है। दूसरा प्रमुख कारण है मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन का मतलब है अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ अगर किसी सीवियर इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो जाती है तो इस वजह से भी बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। सेकेंड प्रमुख कारण जो है उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें मदर अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर संतुलित आहार नहीं लेती है तब भी बच्चे के अफेक्टेड होने के चांस होते हैं। अब हम सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में पोजीशनिंग का क्या बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है पोजीशनिंग के माध्यम से हम बच्चों का मसल स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट है पोजीशनिंग के माध्यम से हम बच्चों का पोस्चर और बैलेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही हम उनका मोटर डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम आपको पिक्चर के माध्यम से कुछ गुड और बैड पोजीशनिंग दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है बच्चे को इस पोजीशनिंग को अडॉप्ट करने में कुछ परेशानी हो। आप शुरू में इस पोजीशनिंग को 5 मिनट या 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे आप ग्रेजुअली 30 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पोजीशनिंग क्या क्या है।